कवरेज के बारे में टिप्स बताएंगे कि इसे क्या क्या इसमें इसको अडॉप्ट करना पड़ता है। इसकी सबसे पहले तो इसकी यह है कि आपने जगह ने बताया कि इसकी सफाई सफाई, जब आपकी लाइफ स्टाइल में भी यह है, जब आपकी मैनेजमेंट सबसे पहले आती है, हेल्थ कवरेज बाद में आती है। मैनेजमेंट आपकी अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ कवरेज में से इतनी एफर्ट नहीं कर सकती, तो इसीलिए इसकी मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी होगी तो उसमें बहुत सारी बीमारियों से आप इसकी बच जाएंगे। ज़्यादातर जो मेज बीमारी आती है, वो जो फारिश की बीमारी आती है, सबसे बड़ी जो बीमारी इसकी वही है कि इसके बाल उतरने लग जाते हैं, क्योंकि हमने इसके रखा है बूल पर्पज़ के लिए। जब वो मेज आ जाएगी तो बाल से खुद खुद झड़ने लग जाएंगे। उसमें दो फैक्टर आते हैं, एक तो जब वो बाल खुद झड़ते हैं, तो दूसरा अगर दो हम इकट्ठे करेंगे तो या वो खुद जानवर भी उसको खाने की कोशिश करता है, वो फिर अंदर जाके ब्लॉकेज और उसकी हो जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है। उसमें यह कि आपने इसको मेडिकल तौर पे सबसे पहले कि इसकी मैनेजमेंट बेहतर रखनी है, और इसकी डिवर्मिंग जो है, अगर आपने परमानेंट हर्ड आपके पास है, हमारे पास ब्लॉक पूरा हमारे पास है, तो इसकी चार महीने के बाद इसकी डिवर्मिंग जरूर करवाएं। एल्बेंडाजोल से, वो एल्बेंडाजोल है जो जेंटल बच्चों को हम देते हैं, कम्बेट्रीन है या जेंटल है, उसकी आप तीन चार ड्रॉप इसको परमॉक्स, हाँ परमॉक्स हुआ ये हम उसमें सर में गर्म बच्चों एल्बेंडाजोल है, तो उसको वो चार पॉइंट ड्रॉप इसको आप हर चार महीने के बाद चला दें, ताकि इसकी इंटरनल पैरासाइट जो है वो सर सिरिंज पे ट्राई ज़रा इस इधर करते हैं जी, सिरिंज पे ट्राई ज़रा करते हैं, हाँ उसके प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। हाँ ड्रॉप सर बिल्कुल छोटे ड्रॉप या पूरा ड्रॉप, एक ड्रॉपर जो आ रहा है मार्केट में, ड्रॉपर मिलता है मतलब एक सीसी तकरीबन ड्रॉपर नहीं, एक सीसी होगा ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद ड्रॉपर जाना, और जो वो ड्रॉपर आता है वो तकरीबन आता है पाँच सीसी का, पाँच सीसी का ड्रॉपर आता है, हाफ आपने इसको देना डेढ़ सीसी दो सीसी, एज की देखी कितनी है, उम्र कितनी है, महीने दो महीने का, तो उसको आप एक सीसी दे दें, फुल मैच्योर आता है तो ये डिवर्मिंग इससे हो जाएगी। फिर इसके बाद है अगर मेन जो है बाल बाल इसको उतर रहे हैं, झड़ रहे हैं बाल, उसके बाद उस वक्त झड़ते हैं जब आपकी मैनेजमेंट पूर होगी, फिर मेज आपकी आएगी। उसका वाहद ये है कि जब मेज आ जाए तो जो आपके अफेक्टेड जानवर है फिर सफाई अच्छी करेंगे, जो अफेक्टेड जानवर हैं वो दूसरे से अलग करते हैं, अलग करें ताकि ये दूसरों के वो एक दूसरे से दूसरों को लगती है। तो उसके लिए है कि आइवरमेक्टिन साल्ट आता है, मुख्तलिफ ट्रेड नेम से आ रहा है, डेक्टोमैक्स से आ रहा है, आइवरमेक्ट के नाम से आ रहा है, और बहुत सारे मुख्य आ रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो डेक्टोमैक्स है, क्योंकि एक वो चीप भी है और रिजल्ट भी उसका अच्छा है। मैं डॉक्टर साहब जो फील्ड में काम करते हैं उनको पता, वो इसको दो यूनिट हमने लगाने होते हैं, वो भी आपको लगाने के तरीके बता देंगे। यहाँ गर्दन से इसका बाल खींचने, अंदर से खाल खींचेंगे, वो दो यूनिट इसको, जिस तरह वो इंसुलिन वाला वही सरिंज है, वही उसी सरिंज से आप लगाएंगे, क्योंकि उसकी तो नीडल उसकी बहुत छोटी होती है और शार्प होती है और बारीक होती है, इसको महसूस नहीं होता, और उसमें से यूनिट भी कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं। उसको चार दो से चार यूनिट का एज देखें बड़ा है, उसी हिसाब से इसको आप करें। अच्छा तीसरी इसकी बीमारी आती है फंगस बीमारी, इसमें आती है वो फंगस इसकी ज़्यादातर कानों में आती है। जब इसके कान आप देखेंगे, इस कान में इन कानों में वो स्कार साइक्लिन से जम जाएंगे, एक थोड़ा सा इन्फेक्शन सा कैरी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर फूल जाएगा, ये कान बड़ा हो जाएगा, तो वो होता है इसे ये फंगस जैसे, वो भी आती है गंदगी की वजह से, आम वो बीमारी नहीं आती। उसको सबसे यह है कि उसका इलाज ये है कि उसको आप पायोडीन से या टंक्चर आयोडीन से उसके ऊपर आप लगाते रहें, मुसलसल दो तीन दिन लगाएंगे, और साथ साथ उसको वही आयोवैक्टीन या डेक्टोमैक्स जो है ना, वो दो से तीन जो चाहिए वो लगा दें, ऑटोमेटिकली वो आस्ता आस्ता वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरी इनकी हिफाजती, ये तो हम आपको इस हिफाजती तदाबीर बता रहे हैं। तीसरा ये है कि इनको मल्टी मिनरल्स, कोई भी जो पोल्ट्री में आप इस्तेमाल करते हैं वो इनको आप हफ्ते में तीन दिन, एक महीने में चार दिन, पाँच दिन भी दे दिए, फिर चार पाँच दिन गैप कर दिया, ताकि इनकी जो डेफिशिएंसीज जो आ रही है, मिनरल डेफिशिएंसीज जो आ रही हैं वो इनकी पूरी हो जाए, वो इनको और इनको ज़्यादातर कोशिश करें कि वाटर सोलबल इसको दें। अच्छा फीड इंग्रेडिएंट देंगे तो फीड ये कभी अच्छी तरह से खाता है, कम्प्लीट नहीं खाता, पानी इतना डालें कि जो ये दो तीन घंटे में चार घंटे में ये सारा पी जाए, तो वो एक बाल्टी बना लें, एक डब्बे बना लें, जिनके सबको 20-25 सीसी डाल दें, ताकि ये दो तीन घंटे में सारा पिए, ताकि इनको सारी जो मेडिसिन है इनके अंदर हो जाए। फिर कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक जो वाटर सोलबल है, मैं ये सब हम तो इनको फ्री में सेवा दे रहे हैं, फ्री में सेवा वो तकरीबन इसको 1.5 से 2 ग्राम इसको एक पर हेड के हिसाब से हम उसमें अपने वाटर में 5 लीटर में कर लेते हैं, 5 ग्राम उसमें हम डिजॉल्व कर लेते हैं, वो फिर एक और ज़्यादा पानी को डाल देते हैं।
एंटीबॉडी कोई भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है कस्टाइन का होगा या इंटरनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कैरी नहीं होगा, वो वहीं का वहीं उसमें डिप्रेस हो जाएगा और इम्यूनिटी इसमें बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें कि इनको सफाई सुथराई रखें और साथ साथ ये गोल्डन चीज़ें जो है वो आप इनको लेते रहें ताकि इनको ये चंद बीमारियाँ जो इनको अफेक्ट होती हैं वो सफाई ना होने की वजह से। सफाई ये देखें हम वो कहते हैं जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी हम इसको ज़मीन पर रखें, ज़मीन पर रखने से वो सफाई नहीं होगी जो केजेस में सफाई केजेस में होती है। आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई गंदगी इसके साथ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अगर आप नीचे जिस तरह आपने हमारा वो शर्ट देखा हमको क्लाइमेटाइज करने के लिए हमारा रखा गया और एक हमने वो प्रैक्टिकल दिया भी देखें यहाँ पर सर्वाइवल है, सर्वाइवल तो है लेकिन हमारा जो फॉक्स है वूल वाला वो डिस्टर्ब वो प्रॉपर वो तो अब इसकी अपना यूरिन इतना येलोश होता है कि उसके ऊपर वो इसका येलो कलर आता है तो वो बड़ी मुश्किल से वो आस्ता आस्ता हुए वो फिर उतर गए कर जाएगा लेकिन आस्ता आस्ता डाई कर देगा खूबसूरती नहीं होगी ना पेट की खूबसूरती होगी ना बोर्ड की खूबसूरती होगी। उसके प्राइसेस आपको बहुत कम हो गए जिस तरह शीप बोर्ड में है कि ऊपर की प्राइस और है साइड वालों की पेट की प्राइस और है इस तरह इसकी बूल क्वालिटी वो फिर डिटेरियरेट हो जाती है मिक्सअप है मिक्सअप बन जाएगा तो आपके लिए फिर मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर तो यही है कि आप बेशक लकड़ी का बना लें, ये नहीं कि यही डिज़ाइन जो हमारा दिया इसी डिज़ाइन में बना लें, आप इसी तरह का चौरस दड़वा बना लें छोटा ऐसा थोड़ा बना लें जाकर उसमें एक एक आप रख लें क्योंकि दो ये जो है रखने दोनों रहने इकट्ठे मुश्किल हो जाएंगे, दोनों फीमेल भी इकट्ठी नहीं रहती, दोनों मेल भी इकट्ठे नहीं रहती और मेल फीमेल भी इकट्ठे नहीं रहते क्योंकि इसकी जो है ये हैबिट है कि ये जो उसको तंग करेगा फिर हर वक्त उसके साथ करेगा प्रेगनेंट होगी फिर भी ये उसको तंग करेगी तो उसमें फिर अगर वो काबू भी नहीं आएगी डिज़ाइन में उसको फिर ये उसको कान जख्मी करते ज़्यादा कान जख्मी करता है तो वो फिर ज़रा मसाइल का शिकार होता है। फिर हमने भी देखी कोशिश ये है कि हम जो बड़े हैं जो एडल्ट हैं वो सिंगल सिंगल करते हैं ताकि कोई ज़्यादा मसाइल कर रहे हैं यही एक मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट आपकी अच्छी है तो आपको किसी किस्म की बीमारियों का और इसको आप वो भी गर्मियाँ हैं सुबह हम ये सारे शहर जो पेजेस है बाहर चले जाते हैं सूर्य निकलने से पहले पहले इनको सारे को वॉश आउट होता है फिनाइल से धो के फिर ये वाटर वगैरह सुबह आकर फिर दोबारा आकर शिफ्ट कर देता है। हफ्ते में एक दफा प्रैक्टिस हमारी जरूर होती है लेकिन सफाई रोज होती है क्योंकि शहर नीचे से ट्रेस सफाई पेशाब होती है नीचे भी फिनाइल के साथ धोया जाता है लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा इसकी जनरली सफाई नहीं नहलाता इनका बिल्कुल जरूरत पड़ती है इनको नहलाते की इसलिए हमने ये सिंह लगाया हुआ है यहाँ पे हम लगाने के लिए लेकिन अभी हमने ये प्रैक्टिस अभी कुछ महीने से छोड़ी हुई है। अच्छा ये नहीं कर रहे इसकी तो क्योंकि अभी इसके थोड़े बाल बड़े हैं फिर इनको सुखाने के लिए एक बंदा है इसके ऊपर चाहिए इनको कॉम्बिंग करे ब्रश से साफ करें ताकि बहुत खुश्क हो जाए। ये हमारे जो बिल्कुल हेयरलेस हैं जो जिनके काटे हैं उनको भी जरूरत नहीं है कि किसी लगा होता है तो वो साफ सुथरे होते हैं। इसमें कोई आपका कोई क्वेश्चन सर ड्रेंचिंग का वाले हाँ ड्रेंचिंग हम आप इसको ड्रेंचिंग क्या हम ड्रेंचिंग इसको नहीं करते जो आपने मेडिसिन देनी है वो आपको पानी में देनी है इस तरह कोई हाँ जो भी आपने देनी है वो उसमें उसको अगर आपने वो देना है एल्बेंडाजोल या जेंटल वो पानी के जरिए वो पानी के ठीक है सर या फील्ड के साथ में या फील्ड के साथ मिक्स कर लें या फिर ज़्यादातर पानी वाटर सोल्युबल दें वो जल्दी क्योंकि फील्ड को छोड़ देगा आप उसी रह जाएगी। पानी आप 10 सीसी डालें या 20 सीसी पानी डालें उसमें 5 ड्रॉप डाल दें वो 2-4 घंटे में वो पी जाएगा इसके लिए ठीक है। और सर इसको हमने अगर कोई आयम वगैरह इंजेक्शन लगानी हो हाँ वो इसकी थाई में लगाना पड़ता है ठीक है वहाँ और किसी जगह इसकी होनी होती जिस तरह आप कैट को लगाते हैं या डॉग्स को लगाते हैं वो बैक थाई में इसमें जगह बनाऊंगा क्योंकि जी। अच्छा अब इसकी जावेद आपको सेक्सिंग अमीन आ जाए इसकी सेक्सिंग लगा रहे हैं एक नर में पाल लेना एक नर पाल लेना एक बार नर भी लाया ना दादी इधर तो सामने डिफरेंशिएट सामने पड़ जाता आ जाएगा इधर आ इधर बस
ये फीमेल आप आ रही है कि कभी यहाँ पे आए और यहाँ पे देखते जाएं। अब ये फीमेल है, आप आए डॉक्टर साहब देखते नहीं सर मैं देखी है। ये फीमेल है सही, आ जाए आज इधर आज आगे आज ठीक चलिए इनके दिखाइए। हाँ तकते जाए आप खुद भी देख सकते हैं आज भाई खुद लगाए इनको इनको और कोई साथ देखना चाहते हैं ये इसका अभी अब देखें अब जस्ट आपने देखा था अब ये मेल का आप ये कुछ बड़ा है इसका टेस्टिकल नजर आ रहे हैं लेकिन इसका पीनिस इसका नजर आएगा ये देखिए इसकी थोड़ी सी थोड़ा सा प्रेस किया तो रिएक्शन होगी लेकिन ये मैच्योर है ना ये मैच्योर इसमें बहुत आसान है ना हां अब जब ये छोटा बच्चा है जो ना वो कर ले एक महीने के कर ले ऐसा सामने बच्चे के अच्छा है मेन इसमें से और